हे यू गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। कैसे हैं आप लोग गाइज? आज मैं आप सभी के लिए आई हूँ रूट टचअप एंड हेयर कलर, साथ में हम कैसे कर सकते हैं। गाइज, अगर आपके क्लाइंट को कुछ डिफरेंट कलर चाहिए हेयर में, जैसे कि रूट टचअप तो हर कोई करवाता है, बट बहुत लोगों को पसंद होता है थोड़ा सा बर्गंडी कलर में, रेडिश कलर में, एंड हल्का टिंट भी चाहिए बहुत लोगों को रेड का। सो मैंने सोचा ये वीडियो आपसे शेयर करती हूँ, कुछ न्यू सीखोगे आप। सो मेरे क्लाइंट के हेयर में बहुत ज़्यादा हिना था, इन्होंने बहुत ज़्यादा हिना यूज़ किया हुआ है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे। सो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी कि सर से आपको हिना वाले हेयर में काम करना है। ऑल राइट, सबसे पहले प्रोडक्ट की नॉलेज दे देती हूँ आप लोगों को। सो फॉर रूट और स्कैल्प में यूज़ कर रही हूँ लॉरियल मेजरल की 4.26 नंबर। ये एक रेडी स्टोन शेड है, आपको यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया। एंड फॉर हेयर, नीचे के हेयर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल मेजरल की रूज मैजेंटा शेड नंबर। ये प्रॉपर एक रेड कलर आपको देगा। सो मैं इन दोनों का यूज़ करूँगी। सो गाइज, टिप होता है ना हेयर का, वहाँ पे तो मैं रूज मैजेंटा यूज़ करूँगी एंड स्कैल्प पे 4.26। चाहिए आपको 40 वॉल्यूम का डेवलपर, मैं लॉरियल का यूज़ कर रही हूँ 40 वॉल्यूम। एंड चाहिए आपको स्ट्रिक्स कंपनी का 20 वॉल्यूम, इवन आप लॉरियल का 20 वॉल्यूम ले सकते हो, अगर आपके पास वो है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ आपको वही करना है, इवन आप स्ट्रिक्स से भी स्टार्ट कर सकते हो, अफोर्डेबल होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बाउल में निकालेंगे 4.26 नंबर। सो गाइज, हमेशा ध्यान रखें, आप क्लाइंट को जब भी रूट टचअप देते हो या फिर आप हेयर डाई करते हो, मेक श्योर उनको 20 वॉल्यूम प्रोवाइड करोगे। मींस हम जो भी कलर यूज़ करेंगे उसमें हम 20 वॉल्यूम को मिलाएंगे। स्कैल्प पे हम 40 वॉल्यूम का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा स्कैल्प बहुत ही पतला होता है स्किन की तरह, एंड वो जल सकता है। सो मेक श्योर आप जो भी शेड यूज़ कर रहे हो, 4.26 या फिर ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन, कोई भी कलर यूज़ करो। मैंने हल्का सा रेड में यूज़ किया, थोड़ा अच्छा लगता है, कुछ न्यू कलर था। सो इसको आप 20 के साथ अच्छे से मिक्स करोगे। 1:1.5 रेशियो रखना है आप लोगों को, एंड अच्छे से मिक्स एंड मैच कर लेना है। आप ध्यान रखोगे कि आपका जो क्रीम होता है वो अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। मुझे यहाँ पर डेवलपर थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने डेवलपर दिया है। गाइज, हमेशा ध्यान रखोगे आप जो रेशियो बनाते हो ना, उसमें प्रैक्टिस किया करो, आराम से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट गाइज, हम क्या करेंगे, रूज मैजेंटा सेट को निकालेंगे, जो कि मैं रूट को छोड़ के लगाऊंगी बाकी के हेयर में, रेस्ट ऑफ द हेयर में। सो इसको मैंने अच्छे से निकाल लिया बाउल में। इसमें मैं क्या करूंगी, हल्का से ऐड कर दूंगी फर्स्ट शेड को, 4.26 को। इससे क्या होगा, ये जो रेड टोन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मुझे रेड टोन अपने क्लाइंट को नहीं देना था, तो हल्का सा इसको मिक्स कर देना है आप लोगों को। एंड इसमें आपको 40 वॉल्यूम मिक्स करना है। सो रूट और स्कैल्प को छोड़ के बाकी, अगर आप परमानेंट कलर करना चाहते हो या फिर ग्लोबल कलर करना चाहते हो तो आप 40 का यूज़ कर सकते हो। इवन मैंने अपने हेयर में भी कलरिंग करवाया तो मैंने 40 के साथ ही करवाया है। सो इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। सो 1:1.5 रेशियो रखना है आप लोगों को। अगर आपके क्लाइंट को पूरा रेड कलर चाहिए ना नीचे की, और मतलब नीचे वाले हेयर में, सो आप क्या करोगे, इसमें मिक्स नहीं करोगे 4.26 को, एंड आप कोशिश करना क्रीम की क्वांटिटी ज़्यादा रखने का। एंड क्लाइंट के अगर हेयर में हिना नहीं होगा तो और ज़्यादा अच्छा इंटेंस रेड कलर आएगा। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे 4.26 नंबर को। इस तरह से हम रूट पे अप्लाई करेंगे इसको, ये एक बर्गंडी शेड आपको प्रोवाइड करेगा, काफ़ी अच्छा शेड है। सो रूट टचअप के लिए आप इस शेड को आराम से यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड जब धूप में क्लाइंट जाएंगे ना तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। मैंने अपनी मम्मी के हेयर पे भी ये वाला कलर किया, एंड क्लाइंट को भी मैंने किया है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट मम्मी के हेयर में मैंने आप लोग को सिर्फ रूट टचअप बताया था, मैंने कलरिंग नहीं बताया था। आज मैं आप लोग को बता रही हूँ कलरिंग जो होता है ना, जिसे हम ग्लोबल कलर बोलते हैं, वो हम कैसे करेंगे रूट टचअप के साथ। तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट शेड है जो कि हमने 4.26 बनाया, उसको सिर्फ और सिर्फ रूट पे अप्लाई करते जाना है आपको, एंड थोड़ा सा लेंथ पे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा, इतू सा, बस इतने दूर। एंड क्या करना है, अच्छे से हल्का हल्का इमल्सीफाई कर लेना है, बस आपको हाफ ऑफ द लेंथ पे अप्लाई करना है। सो इस तरह से एकदम अच्छे से आपको हर एक डायरेक्शन में अप्लाई करना है। गाइज, जब भी आप रूट टचअप करते हो आप मतलब लेफ्ट राइट हर तरफ अच्छे से अप्लाई कर लोगे, एक भी ना ग्रे हेयर रहने नहीं चाहिए। बेसिकली क्लाइंट हमारे पास रूट टचअप करवाने क्यों आता है पार्लर में, क्योंकि उनको ग्रे हेयर कवर करना होता है। ये वाला प्रोसेस आराम से आप घर पे कर सकते हो बहुत ही चीप प्राइस में, बस आपको प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली में रहते हो, पटना में रहते हो, इजीली आपको ये सब कलर मिल जाएगा। जहाँ मैं रहती हूँ नहीं, वहाँ पे ये कलर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट हाँ, अगर आप इसको लेना चाहते हो तो ऑफलाइन लो, ऑनलाइन मत लेना, ऑनलाइन ये मिलता भी नहीं है, एंड आई थिंक फेक मिलता है या डुप्लीकेट मिलता है।
बट मैं ये सारे प्रोडक्ट हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं ऑफलाइन लूँ। सो अच्छे से अप्लाई करना है। तो इस तरह से आप देख सकती हो कितने अच्छे से यहाँ पे एप्लीकेशन हो रहा है। तो चलिए आप रूट का एप्लीकेशन देख लो मैं यहाँ पे किस तरह से कर रही हूँ। एंड इसको जो हम अप्लाई करते हैं ना, तो हम इसको कम से कम छोड़ देंगे 40 मिनट के लिए। तो पहले तो चलिए रूट की हेयर को अच्छे से कवर कर लेना है। पीछे में भी आपको सेम उसी मेथड से लगाना है। आप देख रहे हो कितने ज़्यादा मेरे क्लाइंट को ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है। सो आराम से कवर हो जाएगा सारा का सारा ग्रे हेयर, वाइट हेयर। अगर आपके पूरे हेयर वाइट है ना, तो भी आप आराम से कर सकते हो इस मेथड से, जैसे मैंने किया है। सो ध्यान से देखिए। सो रूट पे अच्छे से हो जाने के बाद अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे, कौन सा कलर मैं ले रही हूँ गाइस, मैं ले रही हूँ रूज मैजेंटा शेड, जो कि मैंने अलग बाउल में बनाया। एंड उसको मैं अप्लाई करूँगी फिर से। तो रूट से एक इंच छोड़ के मैं इसको अप्लाई करूँगी, इमल्सीफाई करूँगी, जस्ट लाइक हेयर स्पा एप्लीकेशन जैसे करते हैं या स्मूदनिंग क्रीम का एप्लीकेशन, उसी तरह से आपको इसको अप्लाई करना है, इमल्सीफाई करना है, कॉम करना है, कॉम के पीछे वाले पॉइंट से नीट करना है। गाइज अगर आपको मेरे चैनल पर कुछ भी न्यू देखना है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे ना आपसे न्यू कॉन्टेंट शेयर करूँ। मैं सोच रही हूँ हफ्ते में मैं 3 ही वीडियो अपलोड करूँगी या फिर मैं हफ्ते में 4 वीडियो अपलोड करूँगी, बट मैं आपको क्वालिटी कॉन्टेंट देना चाहती हूँ। मैं अब ये मानती हूँ एंड मेरा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा रेजोल्यूशन है कि क्वांटिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वालिटी। अब मैंने भी सीखा है, तो मैं कोशिश करूँगी मैं वीडियोस कम दूँ आप लोगों को, हफ्ते में 3 या 4 ही दूँ, बट अच्छे कंटेंट दूँ। तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो अगर आप कोई सीरीज़ देखना चाहते हो या फिर आप जो भी देखना चाहते हो। मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ खुद के कॉन्टेंट को। सो मुझे सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन। एंड डेफिनेटली आप इस मेथड को ट्राई कीजिएगा अपने क्लाइंट के ऊपर। अगर आपके क्लाइंट को भी ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है एंड उनको कलर भी चाहिए लेंथ पे, तो इस तरह से कर सकते हो। छोटी सी टिप्स देना चाहती हूँ, क्लाइंट के हेयर में अत्यंत मेहंदी लगी हुई है, जिससे मेरे क्लाइंट के हेयर में बहुत ज़्यादा मेहंदी थी, तो रेड का जो कलर होता है ना, वो ज़्यादा नहीं आएगा, मैं पहले ही बता देती हूँ। आप ये सब बात क्लाइंट से पूछ लोगे। हुआ क्या, मैंने अपने क्लाइंट से उस दिन पूछा था, बट थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया। उन्होंने भी क्लियर करके मतलब वो भी नहीं समझे जो मैंने पूछा, एंड मैं भी नहीं समझी। सो होता क्या, मेरे क्लाइंट की हेयर में बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे हीना लगी हुई थी, एक्सट्रीम लेवल पे। सो ये जो रेड का कलर मैं चढ़ा रही हूँ ना, रूज मैजेंटा, ये इतनी अच्छे से नहीं चढ़ेगा हेयर में, बस हल्का रिफ्लेक्शन देगा जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ धूप में नज़र आएगा। सो क्लाइंट भी क्या होता है, बहुत बार नहीं बताते कि वो बहुत ज़्यादा हीना लगाते। हीना वाले हेयर में ना आप कुछ भी कर लो, आपको ना एकदम प्रॉपर वो कलर नहीं आएगा, जैसे रूज मैजेंटा का शेड। तो आपको अगर क्लाइंट को रूज मैजेंटा शेड देना है प्रॉपर, तो उनको आपको पहले प्री लाइटनिंग करना होगा। ये सब कुछ टिप्स है, बट मैंने जैसा आप लोगों को बोला कि हल्का मुझे हिंट देना था ओनली, तो हिंट के लिए काफ़ी है। बट इनकेस अगर आपके क्लाइंट को एकदम रेड कलर चाहिए, तो उनको आप पूछ लेना कि मैम आप मेहंदी तो नहीं लगाते हो। अगर वो मेहंदी नहीं लगाते हो, आराम से कलर आ जाएगा उनके हेयर में, यानी कि लेंथ में रेड का रिफ्लेक्शन तो 100% आ जाएगा विदाउट प्री लाइटनिंग। बट अगर वो मेहंदी लगाते होंगे तो मे बी ना चढ़े। तो ऐसा ही कुछ हुआ था, मैं आपको आगे रिजल्ट दिखाऊंगी। बट हाँ, हल्का हल्का हिंट आ गया था, वही मुझे चाहिए था एंड मेरे क्लाइंट को भी चाहिए था, तो मेरे क्लाइंट को भी अच्छा लगा ये वाला कलर। बट मैंने इसलिए आप लोगों को ये कुछ टिप्स बताए हैं क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस को देख के डेफिनेटली घर पे ट्राई करोगे एंड बाद में कमेंट ज़रूर करोगे कि मैम रूज मैजेंटा शेड तो आया ही नहीं। तो ये सब मैंने बता दिया कि हिना वाले हेयर में मे बी ना आए, बट अगर आपके हेयर में कोई भी केमिकल कभी यूज़ नहीं हुआ है, वर्जिन है, तो आराम से आपके हेयर में रूज मैजेंटा शेड चढ़ जाएगा। तो इसको अप्लाई करने के बाद आपको रहने देना है 40 मिनट के लिए, एंड 40 मिनट के बाद हम प्लेन वाटर से हेयर वॉश कर देंगे। मैंने हल्का सा लेंथ पे शैम्पू किया था, स्कैल्प पे शैम्पू आपको नहीं करना है। नेक्स्ट डे क्लाइंट शैम्पू कर सकते हैं, बट उस दिन आप मत कीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो अच्छे से एप्लीकेशन हो गया, देख सकते हो।
50 मिनट हम करेंगे हेयर वॉश। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल रिजल्ट। सो गाइज रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है, बरगंडी शेड आया है। सो प्रॉपर हमें बरगंडी शेड ही देना था एंड हेयर काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल एंड सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं एंड हल्का हल्का रेड का रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है, यानी बरगंडी शेड का रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है। सो बस यही था फाइनल रिजल्ट गाइज। सारे ग्रे हेयर कन्वर्ट हो चुके हैं, मतलब कवर हो चुके हैं एंड कोई भी वाइट हेयर अभी नज़र नहीं आ रहा है। सो इस वीडियो से आपने कुछ न्यू सीखा होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हेल्पफुल होगा तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। एंड आप देख सकते हो फाइनल रिजल्ट तो आपके सामने है, रिफ्लेक्शन बरगंडी शेड का आया है जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया। सो बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। मैं बाय एंड टेक केयर।